अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज नाम के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। हमारा जो भी व्यक्तिगत जीवन होता है डेली लाइफ, उससे थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए हम आउटिंग करते हैं, बाहर कहीं पे घूमने के लिए जाते हैं। और कई बार हमारे मन में संशय रहता है कि शायद हमें पता हो कि ये जगह भी अच्छी थी तो हम पहले वहां पे जाके आते। तो अगर ऐसा कुछ है तो आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही एक जगह की बात करने वाले हैं। वैसे रियल न्यूज का यूट्यूब चैनल है, लेकिन कई लोगों को शायद पता नहीं होगा कि ये इतना अच्छा प्लेस है। और अगर आप जाना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो पहले सुन लीजिए, उसके बाद वीडियो देख लीजिए और फिर खुद डिसाइड कीजिए। आपको ऑनलाइन सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इस जगह के बारे में। इस जगह का नाम है विश्व स्वरूपम। राजस्थान के नाथद्वारा में महादेव की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई। जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, इसी प्रकार के कंसेप्ट से राजस्थान के नाथद्वारा में ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। काफी सारी मेहनत की गई है। तो महादेव की सबसे ऊंची प्रतिमा यहां पे बनाई गई है। इसकी ऊंचाई 369 फीट ऊंची। और जिस प्रकार से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में आप लिफ्ट से ऊपर जाते हो, ये सारी फैसिलिटी यहां पे भी है। टिकट का प्राइस बहुत नॉमिनल है, 400 रुपए का टिकट है। 200 रुपये में आप 200 रुपये में आपको एंट्री मिलती है, और ऊपर जाना है तो और 200 रुपये लगते हैं। टिकट के साथ एक बेल्ट आता है जो आप हाथ के बांध पे उसके बाद जाएंगे तो ही आपको एंट्री मिलेगी। और वंडरफुल गार्डन्स, बहुत अच्छे अच्छे गार्डन्स के बीच में ये पूरा सेटअप किया गया है। 51 बीघे के पूरे जो एरिया है उसमें ये बनाया गया है। 3000 टन स्टील और लोहा इसमें यूज किया गया है। और इसे बनाने में, इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरी तरह से कंप्लीट होने में 10 साल लगे हैं। पहले सुन लीजिए कि भारत में भी ऐसी ऐसी जगहें हैं। कई लोगों को शायद पता होगा, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। तो अगर आप कहीं पे घूमने फिरने का प्लान कर रहे हो तो पहले देख लीजिए। अभी आप सुन रहे हैं, उसके बाद इसका विजुअल्स देखेंगे, आप वीडियो देखेंगे। यहाँ पे और एक चीज है कि जब भी आप महादेव की मूर्ति के अंदर जाएंगे और ऊपर से आप विजिट करेंगे, तो आपको जूते, चप्पल, सॉक्स सब कुछ बाहर निकल के अंदर जाना पड़ेगा। आप अंदर जाएंगे तो आपको 5-स्टार लग्जरी मिलेगी। 4 एलिवेटर्स हैं और 3 सीढ़ियां हैं जो आपको ऊपर तक ले जाती है। और ऊपर तक जाने के बाद बीच में एक ग्लास ब्रिज है। ब्रिज है लेकिन नीचे कांच है। अब 280 फीट की ऊंचाई पर जब आपको ब्रिज दिखे लेकिन नीचे कांच हो, तो कोई भी घबरा जाता है। जिसने पहले न किया हो वो तो जाने से ही घबराएगा। तो ये एक रोमांच भी है। और स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया है कि इसके लिए कहा जाता है कि 250 किलोमीटर की स्पीड से भी अगर हवा का तूफान आ जाए तो इस स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं होता। तो बहुत ही विलक्षण दृश्य है जो अभी वीडियो के माध्यम से आप देखने के लिए जा रहे हो। पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और दूसरी एक चीज कीजिए, आपके जितने अपने हैं उनको तो आप फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम पे भी इसे शेयर कर दीजिए। इतनी अच्छी जगह अगर भारत में है और बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो हम वीडियो के माध्यम से ये बता रहे हैं और लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपको सौंप रहे हैं।
कैसा लगा वीडियो? जो शुरुआत में बताया गया वही सारी चीजें आपको मिली, और ये तो सिर्फ वीडियो है। जब आप जाएंगे तब आपकी ये पूरी जगह की खूबसूरती क्या है, मानसिक शांति का अनुभव क्या है, एक अलौकिक आनंद और रोचक के सामंजस्य वाली परिस्थितियां क्या है, उसका अनुभव भी आपको करवाएगा। जरूर से कीजिए। रियल न्यूज नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद तीन ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।